और जमात को बताना चाहिए गलती एक दिन के लिए नहीं, वो खबर खबर देना चाहिए नहीं, तीन दिन की जमात को भी सही बात, सही बात, एक दिन क्या करना है, मिनिमम तीन दिन के, हां तीन दिन, कितने भी दिन के लिए आए कहां है बना रहे मिस्त्री साहब है ना, वो जिस लड़के ने मारपीट करी है वो शिनाख्त किया जा चुका है, उसका शिकायत पत्र तैयार हो रहा है, वो शिकायत पत्र दे रहे हैं। आ रहा था बेच देने तो नीरव कुमार रोका गए और आते ही मारते गए, बोले तो क्या यहाँ क्यों घूम रहे हैं, मिर्ची साहब मैं मस्जिद में अपना सामान भूल गया छोड़ गया तो लेने जा रहा हूँ, बोले तू आतंकवादी हो, मेरे को मारते मारते ले गए लातों से तुम आ और तुम मीटिंग करते हो मुसलमान ऐसे हो, आतंकवादी साहब कौन से देश से आए हो, यहाँ क्या करते हो, तो मारते मारते मेरे को लगा मादर चोर बहन चोर गाली देते हुए लेके गया, और मेरे मेरे मुँह से मेरे को मारते जा अरे पीछे तो मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो मेरे को गाली दे रहा मादर चोर तुम मंत्र पढ़ रहे हो तुम यहाँ इस्लाम फैला रहे हो तो ये वो रहा। कितने लोग थे, कितने बोले थे, वर्दी में थे बिना वर्दी में थे, वर्दी में वर्दी में लोग, कुछ पूछा होगा ना आपसे, पता होगा आपका एड्रेस पूछा होगा नाम पूछा होगा कुछ ऐसा पूछा कि डायरेक्ट सीधे आए उन बस इतना पूछा, बोले तू कहाँ रहता मेरी बंजारी चुप, बोले तू झूठ बोला और आते ही मारने लगे मेरे को, तो मारते मारते ले गए लाते लाते मारी है और पेटों या इस बाथरूम की जगह पे मारा है पेट में मारा है, कल सुबह 8:30 पौने 9 बजे तो आपको कहाँ से थाने ले गए, हाँ थाने ले, उसके बाद फिर क्या हुआ घटना, उसके बाद थाने के अंदर जाके वहाँ मारा मेरे को, तो वहाँ से वापस वो शर्मा जी ने बोला छोड़ दो, और छोड़ने के बाद मेरे को मारते मारते यहाँ तक ले, कल की बात के आज घटना कल की बात, और आज आपने सबको समाज के जो लोग कल बता दें कि आज बता रहे आज बताए दादी बताए, कल कोई बात नहीं करती, कल को कल क्यों कोई बात नहीं करती, अब मैं डर गया था थोड़ा, डर गया कहाँ के रहने वाले, अब बंजारी चौपट से, बंजारी चौपट अपने यहीं के रहने वाले जी, क्या नाम है मोहम्मद साहिद, मोहम्मद साहिद, तो आप क्या ये धर्म के लिए काम करते हैं मतलब जी, हाँ किस तरह से क्या करते हैं, ये हमारा मतलब दावत देना इस्लाम में हो जाना दावत देना ही हमारा, अभी कहाँ यहीं पर रहते हैं हम, मोहम्मद की और बाहर नहीं जाते हैं, ये चौपाटी जमात के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें महू थाने के चीता स्क्वाड द्वारा एक शाहिद नामक लड़के को लाके थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया जाए, इस घटना का जो ज्ञापन दिया गया शिकायत के आधार पर इसकी हम एक वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कराएंगे और घटना में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ वैधानिक दंड उसको कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वहीं पर स्पॉट पे उसको मारना शुरू कर दिया, तो इस मामले में सर जैसे कई बार इस तरह की हो जाती है तो पुलिस जैसे आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी को उसका जवाब देना थोड़ा सा या मामला थोड़ा सा बिगड़ता दिखता, तो इस तरह से कोई आदेश बन के भाई ऐसी कोई भी हो तो आप सीधे पहले थाने लाएँ और वहाँ पर, नहीं नहीं इस घटना पर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अभी स्पॉट पर जो भी थे जहाँ भी हुई है घटना उसमें आसपास के लोगों के भी बयान ले जाएंगे, जहाँ घटना मारपीट की गई है या नहीं की गई है जो भी है इसमें पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, इसमें बेसिकली जमात के द्वारा सूचित नहीं किया गया था थाने में कि जमात आई हुई है, जबकि इन कानूनी रूप से इनको सूचित करना चाहिए कि थाना क्षेत्र में जमात आई है, थाने को कोई सपना तो आ नहीं रहा है इनको, जो भी इतनी बड़ी जमात आती है पूरे भारत में कहीं भी कोई बाहरी आते आदमी आता है तो उसको थाने में निकटवर्ती थाने में सूचित करना चाहिए, पर इनके द्वारा नहीं किया गया, मारपीट का बता रहे हैं, दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे, निष्पक्ष जो घटना जिनके सामने घटित हुई है उनके बयान लिए जाएंगे, 8-9 बजे की घटना बता रहे हैं तो महू शहर सवेरे से